24 मार्च वर्ष 1977 को मोरारजी देसाई ने भारत के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ये स्वाधीनता सेनानी और प्रखर राजनेता थे। ये देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई गुजरात के सूरत निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए थे। 1977 में हुए आम चुनाव में जनता पार्टी की जबरदस्त जीत में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये एकमात्र शख्सियत हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान से अलंकृत किया गया है। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद संभालने का रिकॉर्ड भी स्वर्गीय मोरारजी देसाई के नाम है, जो 1977 में 81 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। 24 मार्च वर्ष 2008 को भूटान में पहला आम चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव लड़ने के लिए भूटान के चुनाव आयोग द्वारा दो दलों को पंजीकृत किया गया था। मुकाबला जिग्मे थिनले के नेतृत्व वाली भूटान पीस एंड प्रॉस्पेरिटी पार्टी और सांगे नेगडुप के नेतृत्व वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच था। डीपीटी ने 47 में से 45 सीटों पर जीत हासिल करते हुए चुनाव जीता। जिग्मे थिनले ने 2008 से 2013 तक प्रधानमंत्री पद के रूप में कार्य किया। वर्ष 1907 में वांगचुक वंश सत्ता में आने के बाद लगभग 99 सालों तक भूटान में राजशाही रही।